ग्लेन मैक्सवेल डीप में दूसरे रन के लिए ग्लेन मैक्सवेल वापस आते हुए मैक्सवेल के बैट से आए विनिंग रन्स चैंपियनशिप जीतने वाले रन्स छठी बार विश्व कप का ताज सजेगा ऑस्ट्रेलिया के सर पे छठी बार विश्व विजेता तोड़ के भारत के सपने को विश्व किया है अपना टॉस से लेके ट्रॉफी तक सिफर से लेके इस फाइनल के शिखर तक अहमदाबाद में आज की शाम दिया है अंजाम रेप्यूटेशन पे खड़े उतर के ऑस्ट्रेलिया के द मेन इन येलो 2023 विश्व कप के चैंपियंस 2011 से वो ट्रेंड शुरू हुआ था कि घर में आप विश्व कप जीतेंगे वो चला 2019 तक उसे बदला उसे खारिज किया ऑस्ट्रेलिया की ये मजबूत टीम ने भारत का भारतीय फैंस का ये विश्व कप जीतने का तीसरी बार सपना तोड़ा निराश है फैंस और क्यों ना क्योंकि उस तरीके से पूरे साल उस तरीके से पूरे विश्व कप में ये विश्व कप में दबदबा बनाया था भारतीय टीम ने लेकिन आज की शाम उनके नाम नहीं परेशान है दुखी है वो टीम जो डोमिनेट करते आई थी पूरी लीग स्टेजेस को डोमिनेट किया था सेमीफाइनल को आज उसको इस फाइनल की शाम डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने ये सपना जो एक साथ संजोया था जो हकीकत से ज्यादा दूर नहीं था हर डिपार्टमेंट में हर मुकाबले में भारतीय टीम ने कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन आज एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि ये फाइनल्स के लिए बने हैं कप्तान बदल दीजिए टीम बदल दीजिए गर्व जरूर महसूस होगा हर भारतीय को जिस तरीके से भारत ने इस पूरे विश्व कप में खेला है लेकिन ये भी सच्चाई जिसे स्वीकारेंगे कि आज की इस फाइनल की शाम ऑस्ट्रेलिया बेहतर टीम थी और ऑस्ट्रेलिया कहलाई जाएगी विश्व चैंपियंस अगले चार सालों तक बहुत उम्मीद थी रोहित शर्मा को T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में बाहर हुए थे उसके बाद खेलने का अंदाज बदला इसीलिए उम्मीद भी बदली थी भारतीय फैंस की बहुत निराश है आंखें नम है और क्यों ना महसूस कर सकते हैं वो आंखें नम रोहित शर्मा ने पूरी जान लगाई थी बतौर कप्तान इस टीम को तैयार किया था इस टीम का मार्गदर्शन किया था वो बल्लेबाज वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था आज ये पल ये स्वीकारना आसान नहीं इन आंसुओं को रोकना आसान नहीं बहुत मेहनत की है रोहित शर्मा ने कि मैदान पे सबको मुबारकबाद देने के बाद शायद ड्रेसिंग रूम में वहां की गुमनामी में शायद इन भावनाओं को बहने देंगे दिल टूटा है रोहित शर्मा का दिल टूटा है सभी भारतीय फैंस का लेकिन एक कैंपेन जिसे पीछे मुड़ के देखेंगे उसमें बहुत खुशियों के पल बिखेरे इस भारतीय टीम ने लेकिन आज की शाम सामने एक बार फिर अपनी जिद लिए अड़ गई ऑस्ट्रेलिया की टीम